हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी से जो फ़्लाइट ओपन होने वाली है, नॉर्मल फ़्लाइट, वो कब ओपन होगी, ओपन होगी या नहीं ओपन होगी। तो सबसे पहले बात तो आप लोग ये जानते हैं कि सऊदी अरबिया में रहते हुए जिन लोगों ने सेकेंड डोज ले चुका है, यानी जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का डोज कम्प्लीट कर चुका है, उसके लिए किसी तरह का मसला नहीं है, उसके लिए किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सऊदी में रहकर सऊदी की निगरानी में जिन लोगों ने अपना डोज कंप्लीट कर चुका है, वो आराम से वेकेशन जा सकते हैं, वो आराम से आ सकते हैं, किसी तरह की मसला नहीं है, वो डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में ये इस तरह का न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है और इस तरह का न्यूज़ काफ़ी भरा हुआ है कि फ़्लाइट 10 सितंबर को खुलने वाली है, फ़्लाइट 12 सितंबर को खुलने वाली है, फ़्लाइट 25 सितंबर को खुलने वाली है। तो 25 सितंबर को आप चले आओ, 10 तारीख का टिकट लेके चले आओ। भाई, जो लोग भी आना चाहते हैं वो वेट ना करें, भाया होकर आ जाए यहाँ पे। इसकी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी सुनेंगे, भाया होकर आ जाए। थोड़ा 14-15 दिन की क्वारंटाइन करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा मसला करना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाए। चाहे आप भाया कतर हो के आए, चाहे किसी भी कंट्री का सहारा लेकर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ जाए। क्योंकि अगर इंडिया में तीसरी लहर आ गया, अगर इंडिया में तीसरी लहर बढ़ गई, तो फिर कोई चांस ही नहीं होगा कि फ़्लाइट फिर जल्दी खुल जाएगा, यानी जल्दी बहाल कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को भी आना है और जो लोग भी आना चाहते हैं, वो भाया थर्ड कंट्री होकर आ जाएं। थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, इंतज़ार में ना रहें भाई। इंतज़ार में रहेंगे तो आपका भी वक्त निकल जाएगा और आपका काम भी निकल जाएगा। तो आप दूसरी कंट्री का सहारा लें और सहारा लेकर फिर आप यहाँ पे प्रवेश कर जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा, हर समय ये नहीं जाता है कि फ़्लाइट आज खुलने वाली है, फ़्लाइट कल खुलने वाली है, इन्होंने टिकट अपना शुरू कर दिया बुकिंग करना, उन्होंने अपना टिकट शुरू कर दिया बुकिंग करने वाला। तो भाई, ये फ़्लाइट ओपन क्यों नहीं हो रही है। जो लोग भी वैक्सीन ले चुके हैं और जिसे भी सऊदी अरबिया आना है, वो अपना भाया किसी कंट्री होकर आ जाए। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो में लाइक, वीडियो में बने रहें, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूं।